चलिए दोस्तों, और एक नया वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं एक डिजिटल पेडलॉक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है। चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये रहा इस डिजिटल पेडलॉक, चलिए इसको हम बाहर निकालते हैं और कैसे काम करता है चेक करते हैं। देख सकते हैं मैंने इसी डिजिटल पेडलॉक को इसी पैकिंग से मैंने निकाल दिया। देख सकते हैं इसी कागज के पीछे इसका यूजेस लिखा हुआ है, इसको पढ़ के हम यूज कर सकते हैं। चलिए इसी दोनों को हम साइड में रखते हैं और मेन यूनिट को हम चेक करते हैं। देख सकते हैं इसी डिजिटल पेडलॉक काफ़ी हैवी मेटल से बना हुआ है। देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और यहाँ बटन भी दिया हुआ है और इसका नीचे तरफ से एक स्लाइडिंग बटन दिया हुआ है, इसका यूजेस हम बाद में देखेंगे। और इसी का पीछे और कुछ नहीं है, इसी को दबाने के बाद ये नीचे चला जाता है। ये हमको इस तरह से सेटिंग दिया हुआ है और देख सकते हैं इसी पेडलॉक के अंदर एक कागज़ लगा हुआ है और वहाँ कुछ नंबर लिखा हुआ है, उसी नंबर ही इसी पेडलॉक का पिन कोड है। चलिए इसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं हम देखते हैं। देखिए ये ऑलरेडी अभी लॉक हुआ है, पेडलॉक के अंदर एक कागज़ दिया हुआ है, उसी कागज के अंदर पिन कोड दिया हुआ है, उसी पिन कोड को दबा के देखते हैं और खोलते हैं इसी पेडलॉक को। चलिए यहाँ लिखा हुआ 13568, इसको हम दबा के देखते हैं। चलिए 13568, चलिए मैंने दबा दिया और इसी नंबर को दबाने के बाद जो नीचे से जो स्लाइडिंग बटन है उसको दबाना है। चलिए दबाते हैं, देख सकते हैं ये आराम से खोल गया, इस तरह ये खोलते हैं। चलिए इसी नंबर को हम बाहर निकाल के रखते हैं। अभी इसी पेडलॉक को हम लॉक करके देखते हैं कैसे लॉक किया जाता है। चलिए इसको हम लॉक करते हैं। इस डिजिटल पेडलॉक को लॉक करने के लिए इसको हम ऐसे दबाना है, ऐसे दबाने के बाद ये आराम से लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के बाद जो जो नंबर यहाँ टाइप किए थे उसी नंबर को पीछे से और एक बार ऊपर लाना है। ये देख सकते हैं मैंने इसे ऊपर ला रहा हूँ, अभी कम्प्लीटली लॉक हो गया है और ये नहीं खुल रहा है। इस तरह हम लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। चलिए और एक बार खोल के देखते हैं, अनलॉक करते हैं। चलिए 1 3 5 6 8, देख सकते हैं ये आराम से खुल गया है। और चलिए और एक बार लॉक कर देते हैं। इसको लॉक करने के लिए इसको हम ऐसे दबाना है, दबाने के बाद और इस पीछे से उसी नंबर को पीछे से दबा देना है। देख सकते हैं ये आराम से लॉक हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी पेडलॉक आप आपका घर ले जाके आपका घर का सिक्योरिटी भी बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको इसी प्रोडक्ट को खरीदना हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाकर वहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटे में आता है उसको वो दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं।